लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दिया है। उन्होंने आज ऐलान कर दिया है, एक तरह से कहें तो मीडिया के सामने आकर के यह कह दिया है कि उन्होंने अपने समर्थकों के हितों की रक्षा के लिए लालू राबड़ी मोर्चा बनाया है। इसी मोर्चा के तहत वे अपने जो शुभचिंतक हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी में लंबे समय से जुड़े हुए थे, उन कार्यकर्ता को जो उपेक्षा की जा रही थी उसके हित की रक्षा के लिए हमने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया है। दरअसल मीडिया के सामने आज तेज प्रताप यादव आए और उन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी में हमें उपेक्षित किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी के आसपास मौजूद हैं, वे तेजस्वी को भड़का रहे हैं और भाई भाई में विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, परिवार में फूट डालना चाह रहे हैं, लिहाजा वे वैसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई बड़ी बात कही नहीं थी, हमने तो सिर्फ तेजस्वी से इतना ही कहा कि मुझे 2 सीट दे दिया जाए। हमारे दो जो कार्यकर्ता थे, जो दो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो लंबे समय से आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, वैसे लोगों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। हमने जो 2 सीट की मांग की थी उस 2 सीट को भी देने से मना कर दिया गया, लिहाजा अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उनके पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चे का गठन किया है। इसी मोर्चे के तहत अब वे अपने समर्थकों के साथ को इंसाफ दिलवाएंगे, अपने समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कोई लालू राबड़ी से इतर जाकर के कोई काम नहीं किया है, बल्कि हमने तो जो मोर्चा बनाया है उस मोर्चे का नाम जो है वो अपने पिता और माता यानी लालू और राबड़ी के नाम पर रखा है। तो तेजस्वी यादव ने आज ऐलान कर दिया है और कहा है कि उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया है और कहा है कि जब पांडवों ने कौरवों के समक्ष जा करके सिर्फ और सिर्फ 5 गाँव की मांग किया था, लेकिन कौरवों ने उन्हें 5 गाँव भी देने से इनकार कर दिया। कुछ उसी तर्ज पर हमने भी बिहार की 2 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमारे प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। तो ऐसे में क्या अब यह वक्त नहीं आ गया है कि अपने समर्थकों के लिए आगे आया जाए और आगे आकर के उनके हितों की रक्षा की जाए। इस तरह से उन्होंने आज खुल करके अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि तेजस्वी को कुछ लोग बरगला रहे हैं, जो तेजस्वी के आसपास जो बैठे लोग हैं, यानी जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर नाम तो नहीं लिया लेकिन स्पष्ट तौर पर इशारा किया कि जो तेजस्वी के आसपास के लोग हैं वही तेजस्वी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे तो चाहते हैं कि तेजस्वी और आगे बढ़े, हमारी उम्र तेजस्वी यादव में लग जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी भी तरह से चाहते हैं कि यह परिवार लालू राबड़ी का जो परिवार है वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, लेकिन वे ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम आज भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े, हम उसके साथ हैं, लेकिन जो कुछ लोग जो परिवार के अंदर घुसे हुए हैं जो वैसे लोगों को हम बेनकाब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जहानाबाद और सीहोर लोकसभा सीट मांगी थी लेकिन देने से इनकार कर दिया गया, आप जा करके वहाँ पर देख लें कि जहानाबाद में जिस व्यक्ति को टिकट आरजेडी की तरफ से दिया गया है उसको लेकर के वहाँ के लोगों में क्या भावना है, आप वहाँ पर इसकी समीक्षा भी करवा सकते हैं, इसकी तहकीकात भी करवा सकते हैं कि कितनी नाराजगी है उस प्रत्याशी के बारे में। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सुरेंद्र यादव जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं जहानाबाद से, उनके बारे में कहा कि उनके खिलाफ किस तरह की वहाँ पर लॉबिंग है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनको नहीं चाह रहे हैं, लिहाजा हमने वहाँ पर अपना प्रत्याशी देने की सिफारिश की थी लेकिन हमारी सिफारिश को नहीं माना गया। उन्होंने सिर्फ जहानाबाद के बारे में ही बात नहीं की बल्कि सीहोर लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी कहा कि सीहोर में भी हमारे प्रत्याशी एक व्यक्ति को हमने जो काफ़ी लंबे समय से आरजेडी से जुड़े हुए हैं उनको हमने उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उस प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया गया। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र उन्होंने बताया और कहा कि छपरा जो लोकसभा सीट है जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है उसके बारे में आप जा करके वहाँ पर वहाँ के लोगों से ओपिनियन ले लीजिए, उसके बारे में वहाँ उनकी कैसी छवि है। तो निश्चित तौर पर जो सबसे तीन लोकसभा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात की वो छपरा था। छपरा से तेज प्रताप यादव के जो ससुर हैं चंद्रिका राय, उनको वहाँ से पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर बिना ससुर का नाम लिए हुए उन्होंने चंद्रिका यादव पर भी सवाल किया। दरअसल कुछ दिन पहले जब चंद्रिका राय का वहाँ पे उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था उस दिन भी उन्होंने कहा था कि वे छपरा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चंद्रिका राय और तेज प्रताप यादव की में जो संबंध हैं अभी मधुर नहीं हुए हैं, तलाक का प्रकरण अभी चल रहा है और उसका घाव जो है वो तेज प्रताप यादव को रह रहकर उसका टिस जो है वो टिस सामने
सामने आ जाता है। आज उन्होंने खुलकर बोला, हालांकि नाम चंद्रिका यादव का तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरा में जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, आरजेडी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, उसके बारे में वहाँ के लोगों से जा करके राय ले लीजिए कि किस तरह की राय है वहाँ के लोगों के बारे में। तो इस तरह से उन्होंने खुलकर के अपनी बातें कहीं और अपना दर्द जो है वो सार्वजनिक किया है। आज पहली दफ़ा उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एक मोर्चा बनाया है लालू राबड़ी के नाम पर, लालू राबड़ी मोर्चा बनाया है, और उस मोर्चे के तहत अपने समर्थकों का जो हमारी मदद करते हैं, जो समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वैसे लोगों की हम जो मदद है वो आगे भी करते रहेंगे, और इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। हम परिवार से कोई बगावत नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि परिवार से हम कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बयान था इतना तल्ख तेवर था कि वो देखते ही बन रहा था। तेज प्रताप यादव खुलकर के यह कह रहे थे कि हम वैसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, जो हमें तबाह करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम समाज के सामने ला करके उनको हम बेनकाब करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ विवेकानंद, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।